हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम के बारे में। हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम एंड अनदर इज हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम इज अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, या एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होता है, एनपीसी, हुज कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टू द पावर एन। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है। हियर आई हैव टेकन अ ग्राफ विच कंटेन फोर सिटीज एंड देर इज अ कनेक्टिविटी फ्रॉम टू सिटीज लाइक दिस। तो हैमिल्टोनियन पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स और एनी वन सिटीज एंड इट विल कवर ऑल द रिमेनिंग सिटीज वंस। इसके बीच में एक भी ऐसा वर्टेक्स और सिटी नहीं होना चाहिए जिसे कवर नहीं कर पाएगा। सो इस ग्राफ में टोटल चार सिटीज हैं। सो टोटल कॉम्बिनेशन इस चार वर्टेक्स का टोटल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन परमुटेशन ऑफ ऑल द वर्टेक्स। कंसीडर वन एग्जांपल, सपोज दैट वी हैव अ ग्राफ ऑफ 3 वर्टेक्स। सो टोटल कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, आइदर 0 1 2 0 2 1 1 0 2 0, इसी तरह से 2 से स्टार्ट करेगा, वर्टेक्स 2 देन वर्टेक्स 1 देन वर्टेक्स 0 2 2 0 एंड 1। सो 3 फैक्टोरियल। हम लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ में सभी क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ है। सो 0 1 2 एग्जैक्टली एक बार कवर किया गया हर वर्टेक्स को। सो वी विल फाइंड हैमिल्टोनियन पाथ फॉर दिस ग्राफ ऑल्सो। हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे कि कितना पॉसिबिलिटी और कितना हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वर्टेक्स और दिस सिटी, सपोज दैट दिस इज रेहटी, हम लोग यदि रेहटी से विजिट करेंगे तो आइदर वी कैन गो इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हैमिल्टोनियन पाथ का, कि आप किसी एक सिटी को एक बार कवर करेंगे। आप यदि इस सिटी से आप चलना स्टार्ट किए, देन इट विल आइदर विल कम हेयर देन हेयर एंड दिस विल नॉट बी कवर्ड विदाउट गोइंग वंस अगेन दिस वर्टेक्स। सो यहां से हम लोग यदि स्टार्ट करेंगे देन दिस विल नॉट प्रोड्यूस हैमिल्टोनियन पाथ। सो हमें एक और दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। सपोज दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सिटी। सो एक ऑप्शन क्या है, एनएसजी देन आरएसटी देन होशंगाबाद, एसएचजी देन बीपीएल। सो इस कॉम्बिनेशन में हम देख पा रहे हैं कि एक हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। और भी हो सकता है क्या, या यदि हम लोग स्टार्ट करें एनएसजी देन आरएचटी और एटी देन भोपाल एंड देन एचएसजी। सो इस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 सिटीज जो मैंने लिया था उसे कंप्लीट कर रहा है। और पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, टोटल मैंने बोला कि किसी भी ग्राफ में 20 n फैक्टोरियल, जितना आपके पास वर्टेक्स रहेगा उसका n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी होती है। और भी हम लोग यदि ऑप्शन सर्च करने का कोशिश करें देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस सिटी, सो होशंगाबाद, देन वी कैन गो टू बीपीएल देन आरएचटी देन एनएसजी। ये भी एक हैमिल्टोनियन पाथ है। इसी में हम लोग और भी सर्च करने का कोशिश करें तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस सिटी, सो बीपीएल एचएसजी आरएसटी एंड एनएसजी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 4 हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएसटी से और एटी से। सो इस केस में आप किसी एक सिटी को, सपोज दैट इफ यू विल गो इन दिस डायरेक्शन आरएसटी टू एनएसजी, तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है बाकी 2 सिटी को कवर करने का, बिकॉज
हैमिल्टोनियन पाथ कहता है कि आप किसी एक सिटी को आप एक बार कवर कर चुके हैं, देन आप दोबारा उसे कवर नहीं कर सकते हैं। सो इस सिटी को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू गो एट दिस सिटी, तो आपको इसको कवर करने के लिए फिर से वापस आना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। आप सपोज दैट कि RHT से BPL गए, BPL टू HSG, एंड देन वंस अगेन यू हैव टू विजिट दिस सिटी फॉर विजिटिंग दिस सिटी, सो देयर इज नो एनी चांस, सो दिस विल नॉट प्रोड्यूस हैमिल्टोनियन पाथ। अब हम लोग समझेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल। ये कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स के बीच में क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। हैमिल्टोनियन साइकिल को हम लोग हैमिल्टोनियन सर्किट भी बोलते हैं। सो दिस इज सर्किट और हैमिल्टोनियन साइकिल। सो कॉन्सेप्ट बोलता है हैमिल्टोनियन साइकिल का कि दिस इज अ हैमिल्टोनियन पाथ इन विच एंड एज फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स शुड बी एग्जिस्ट। मतलब कि फर्स्ट वर्टेक्स एंड लास्ट वर्टेक्स जो होगा उसके बीच में एज एग्जिस्ट करेगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे और वहां पर हम लोग देखेंगे कि हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं। इन दिस ग्राफ वी हैव 5 वर्टेक्स एंड इन दिस ग्राफ ऑल्सो वी हैव 5 वर्टेक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं। इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए देन वी कैन गो टू बी देन सी देन डी देन ई देन ए। इट मीन्स दैट कि लास्ट वर्टेक्स हमारा क्या है ई एंड फर्स्ट वर्टेक्स क्या है ए, इसके बीच में हमारा क्या है एज है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट इन दिस ग्राफ ए बी सी डी ई ए। सिमिलरली इन दिस ग्राफ ए बी सी डी देयर इज नो एनी पाथ फ्रॉम डी टू ई, तो हमें क्या करना होगा डी टू बी जाना पड़ेगा एंड बी टू ई जाना होगा ई को विजिट करने के लिए। बट फ्रेंड्स हैमिल्टोनियन पाथ में हमने देखा कि एक वर्टेक्स को आप यदि विजिट करते हैं देन सेकेंड टाइम आप नहीं आ सकते। इट मीन्स दैट देयर इज अ नो एनी हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट इन दिस ग्राफ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल एंड हैमिल्टोनियन पाथ। लेट मी प्रोवाइड सम नोट्स। फ्रेंड्स गो थ्रू द नोट्स। हैमिल्टोनियन पाथ सेज फर्स्ट पॉइंट दिस शुड बी आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। विजिट इच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। देर आर एन फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी वेयर एन इज नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड फ्यू पॉइंट्स आई हैव नोटेड इन हैमिल्टोनियन साइकिल। जस्ट डेफिनेशन क्या बोला, दिस इज अ हैमिल्टोनियन पाथ इन विच एन एज फ्रॉम द लास्ट वर्टेक्स टू द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ हैमिल्टोनियन पाथ शुड एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन साइकिल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। अ कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन्स अ हैमिल्टोनियन साइकिल इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टू ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड Hamiltonian path and Hamiltonian cycle. So please go through this graph. Of course, I will give solution of these two problem in next video. दो graph, एक G1 और दूसरा G2 है. There are 6 vertex in G1. B1 is connected to V2, V3 and so on. So your task is to get Hamiltonian path for this graph and this graph, as well as you have to find Hamiltonian cycle. So आपका main काम है कि क्या इसमें Hamiltonian path और cycle exist करता है या नहीं। यदि Hamiltonian path और cycle exist करता है then write all the Hamiltonian path and cycles. Hope you understand the concepts of Hamiltonian problem. We will solve these two problem in next video lecture. So please watch my next video to have solution of these two videos.
फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।